सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ आप ही के क्वेश्चंस के बारे में जो आप मुझे कमेंट्स में पूछते हो, क्योंकि ये Q&A वीडियो है तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में ले पाऊँ और जल्दी से जल्दी उनका आंसर दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट पढ़ते हैं। सर, आइस के में फर्स्ट ईयर का एक पेपर बैक रह गया, तो क्या थर्ड ईयर में एडमिशन मिल सकता है क्या? तो फिलहाल देखो, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, चाहे आई स्कीम हो, जी स्कीम या कोई भी स्कीम हो, आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपके फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, तो ही आपको जो है थर्ड ईयर में एडमिशन मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेकेंड ईयर में भी जो है चार से ज़्यादा बैक नहीं होने चाहिए आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये है कि कैन आई चेंज माई कॉलेज आफ्टर फर्स्ट ईयर? ऑफकोर्स यू कैन चेंज योर कॉलेज आफ्टर फर्स्ट ईयर और ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, बहुत ईजी है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, भाई MSBTE में कर्सिव राइटिंग अलाउ है ना? प्लीज रिप्लाई, ऑफकोर्स यार अलाउ है। सर, मेक अ वीडियो ऑन मुंबई रीजन कॉलेजेस। हाँ यार, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग बताना चाहता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो तीन वीडियो जो है इसी रिलेटेड बनाऊंगा। एक होगा टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे, दूसरा था मुंबई रीजन, और तीसरा मैं सोच रहा हूँ महाराष्ट्र में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, और एक और इंपॉर्टेंट मुझे इंडिया के भी टॉप कॉलेजेस बनाने हैं। तो इसके लिए मैं अपना टाइम थोड़ा इस पर दूंगा, तो ऑफकोर्स आपको जल्दी इन सब के ऊपर भी जो है वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर अगर 5 पेपर लास्ट सेमेस्टर किए तो भी 75 प्लस आ सकते हैं, प्लीज से समवन। तो ऑफ कोर्स यार, लास्ट 5 पेपर्स आप पढ़ लेते हो, यानी कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से आप जाते हो, तो ऑफ कोर्स आपको 75 प्लस मिल सकते हैं, और बाकी सब डिपेंड करता है आप कितना उसको समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाय, जावा प्रोग्रामिंग का पेपर, आई स्कीम एंड जी स्कीम अलग अलग पेपर आएंगे क्या? तो ये डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर, क्योंकि जी स्कीम का सिलेबस अलग होता है और आई स्कीम का भी थोड़ा बहुत अलग होगा, तो सिलेबस के बेसिस के ऊपर जो है पेपर आता है। तो अब अगर ये अलग हैं तो ऑफकोर्स अलग ही पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मैं कैरी ऑन में थर्ड ईयर में कॉलेज नहीं किया हूँ, तो आई स्कीम में थर्ड ईयर में एडमिशन कर सकता हूँ क्या? तो भाई ऑफकोर्स आपको आई स्कीम में ही अब एडमिशन मिलने वाला है थर्ड ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, आई वांट टू चेक द कट ऑफ लिस्ट। तो आप ये कट ऑफ लिस्ट जो है चेक कर सकते हो DT महाराष्ट्र की वेबसाइट पर, वहाँ पर जो है आपको सारे जो कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी पिछले साल की, अभी की लेटेस्ट 2018-19 की कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है। क्वेश्चन ये आता है, ब्रो इंजीनियर में एडमिशन चाहिए TFWS थ्रू, तो इसके लिए मिनिमम एग्रीगेट कितना चाहिए, प्लीज टेल। तो भाई देखो, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है वहाँ पे TFWS सीट्स कितनी है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको अबव 86% चाहिए अगर आपको TFWS के थ्रू एडमिशन लेना है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हो, नॉर्मली अबव 95 रहता है अगर आप टॉप कॉलेजेस देखते हो तो। 86 मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लोकल में कॉलेजेस होंगे उस हिसाब से। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सेंट्रलाइज प्लेसमेंट, तो मैं इसके ऊपर भी ऑफकोर्स एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, भाई मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉलेज चेंज करना है, तो मैं क्या फिर से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता हूँ और मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? प्लीज़ हेल्प ब्रो प्लीज़। ऑफकोर्स यार, आप फिर से जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो आपकी मनपसंद, और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आप एलिजिबल हो तो, आपको डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, भाई मेरिट लिस्ट बता दो कुछ अच्छे कॉलेज के, लाइक CUP, VIT, सांगई VIT। तो गाइस, ये जो आप पूछ रहे हो VIT सांगई, तो इनका आपको लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ लिस्ट पूछते हो तो आपको इन्हीं के वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अभी जो लेटेस्ट है वो अभी तक आया नहीं है, तो आने के बाद जो है आपको डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है कि भाई ऑनलाइन टेस्ट का कैसे स्टडी करें? तो भाई इसके ऊपर जो है मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी नाइस वीडियो भाई, मेरे अब M2 का पेपर है, तो क्या मैं इसी तरह स्टडी करूँ? और अब M3 कैंसल्ड हो के M2 हो गया है, तो हो सके तो इस पर भी एक वीडियो बनाओ प्लीज़। सो गाइस, जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि M3 आप कैसे पास कर सकते हो, तो सिमिलरली अगर उसी तरह आप M2 की भी पढ़ाई करते हो तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। उस वीडियो को आप देख लो, ऑफकोर्स आपने देखी है, उसी पर आपने कमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो एक बंदा है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स MSBTE वेन्यू, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इफ आई गेट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर अंडर TFWS स्कीम? तो भाई देखो, होगा ये कि आपको फिर से वो सब्जेक्ट देना होगा, इसमें शायद से प्रोबेबली आपकी TFWS स्कीम जो भी है, आपको TFWS मिला, वो आपसे जाएगा नहीं, वो आपके पास ही रहेगा, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट आप फेल होते हो उसकी आपको एग्जाम फिर से देनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, गुड मॉर्निंग ब्रदर, डज MSBTE गिव मार्क्स टू स्टेप्स एज इन माय सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स पेपर? माय लास्ट क्वेश्चन आंसर इज रॉन्ग बट द स्टेप्स आर करेक्ट, सो दे विल अलॉट मी सम मार्क्स, प्लीज रिप्लाई। तो इसका मैंने आपको रिप्लाई दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो है MSBTE में जो मैथमेटिक्स है, M1 हो, M2 या M3, तो यहाँ पर जो है स्टेप्स के आपके मार्क्स दिए जाते हैं,
तो ऑफ कोर्स आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये है, कैरी ऑन रूल इज लाइफ टाइम और नॉट। तो यहाँ पे देखो ही व्हाइट पैंथर जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर ये है कि भैया कैरी ऑन रूल जो है लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सर मैं आई स्कीम में हूँ, अगर मुझे सेकेंड सेम में बैकलॉग है तो क्या मैं फिफ्थ सेम में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर के ऑल क्लियर होने चाहिए अगर आपको फिफ्थ सेम में एडमिशन लेना है तो। गाइस मैंने ट्राई किए हैं कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे पाया हूँ, और अगर कुछ बचे होंगे तो ऑफकोर्स मैं जो है एक संडे को जैसे एक डे फिक्स कर लेता हूँ, एक से दो दोपहर बैठ के जो है आप ही के कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, जो मुझे लगते हैं इनके आंसर आपको देने चाहिए उन सभी को मैं जो है रिप्लाई देता हूँ। नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करने के 10 मिनट बाद जो है फिर से एक बार देखता हूँ कमेंट्स, तो ऑफकोर्स मैं उस टाइम पर दे देता हूँ। सो गाइज आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।